देखिए मिलिए हमारे महिला कमांडो सरिका हैं, जो कि गुत्थम गुत्थी की लड़ाई जबरदस्त करते हैं। उसके बाद ये हमारे महिला कांस्टेबल मुन्नी हैं, जो कि जंगली क्षेत्र के सबसे माहिर हैं। और ये देखिए शिकारी पोजीशन में कमांडो होगा। कमांडो में हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी फिलहाल वर्दी वगैरह पहन लिए और ड्यूटी के लिए तैयारी हालत में है, ड्यूटी निकलना है। जस्ट सारे लोग अभी वर्दी पहन रहे हैं और ड्यूटी के लिए निकलना है अभी तुरंत में, और दिखाएंगे आज का ड्यूटी बहुत मज़ेदार होने जा रहा है, इसलिए कि बिल्कुल रेगिस्तान में हम लोग हैं, रेगिस्तान एरिया है। और देखिएगा बिल्कुल बालू और नदी ही मिलेगा, और उसके अलावा इधर कुछ नहीं मिलेगा। तो बस ब्लॉग पे बने रहें कंटिन्यू और दिखाते रहें आप लोग। तो हम लोग यहाँ से अभी निकल गए हैं अपने कैंपस से ड्यूटी के लिए, और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना होगा, 3 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे। देख सकते हैं पीछे हम लोग छोटे भाई है सब, और ये लोग की अभी लगता है पहला डिप्टेशन है ना। जी जी जी, हाँ तो पहला भी है अभी ट्रेनिंग करके ये लोग आए हैं, और पहला ड्यूटी लगा है, तो बहुत उत्साह के साथ ड्यूटी में चल रहे हैं। आगे तो ड्यूटी होता क्या है, तो आप लोग भी देखें क्या बोले, मतलब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम लोग का पहला ड्यूटी है, और हम लोग बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए, हमारे जवान जो है नए अभी ये सब ड्यूटी किस तरह से करते हैं। और पीछे तो देखिए रहे कितना सारे लोग हैं, और आगे हाँ हाँ, और देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड जो है बिल्कुल रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, बस वो रेगिस्तान ही है, देख सकते हैं, और बिल्कुल बालू एरिया है। और यहीं पे भी हम लोग की ड्यूटी लगा है, आगे भी हमारा फोर्स सब चल रहा है, दिखाते हैं अभी। देखिए आगे आगे सारी लड़कियां लोग चल रही है, तो एरिया आप देख सकते हैं एरिया किस तरह का है, बिल्कुल कहीं गांव कुछ नहीं दिख रहा होगा, कहीं नहीं, सारे बिल्कुल रेगिस्तान ही है। और बस एक पगडंडी है जो ये रोड, इसी रोड से चलना है, और बाकी एरिया तो देख लीजिए। तो बस चलते हैं आगे ड्यूटी की तरफ। ये फोर्स कितना पिछड़ रहा है, हम लोग आगे 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 हैं, लेकिन ये सब देखिए अभी बहुत पीछे हैं। ये देखिए, और हमारा ये भाई है, ये बहुत बढ़िया क्या बोलता है, एक क्वेश्चन करने वाला है आप लोग से। अब हमें तो पता नहीं, हमसे किया क्वेश्चन हमें समझ में भी नहीं आया, और इसका आंसर भी हमें नहीं समझ में आया, लेकिन आप लोग से क्वेश्चन करना चाह रहा है और आंसर पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, बोलिए तो क्या क्वेश्चन था। हाँ, तो मेरा कहना था, एक सवाल है उसका जवाब देना है। हाँ। उस पर पूरा दुनिया टिका हुआ है, और उसका अर्थ निकाल के हमको बताना है। हम अभी सवाल करते हैं, दूसरे वीडियो में उसका जवाब हम देंगे। हाँ। जैसे कि हमारे पिताजी कहते थे, एक हाथ लकड़ी बढ़ई को दिया। हाँ। बहुत काम फरमाइश किया, एक हाथ लकड़ी बढ़ई को दिया और बहुत काम फरमाइश किया, उसमें क्या क्या बनाने के लिए, 12 किलो, 24 लाठ, चरका चरकी 360, 5 माइनस ऑल इंडिया, 5 माइनस ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। अच्छा, इसका जवाब हम अगली वीडियो में देंगे। तो क्वेश्चन आप लोग सुन लिए, अब इसका जवाब लेने के लिए पहले तो इसमें कमेंट्स करके आप इस वीडियो में डाल सकते हैं, और अगर सही होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको इधर से फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एंसर रूप से मिल जाएगा। लक्षण अपन छोड़ेगा, कहाँ ले जा रहा है, का है ये तीन पोती है, शादी ब्याह था। आ ये कौची है पीछे, दूध वाला है, दही लाए थे, दही ने। अच्छा, नहीं नहीं, हाँ ठीक ठीक, जाइए शादी में। देखिए मिलिए हमारे महिला कमांडो सरिका हैं, जो कि गुत्थम गुत्थी की लड़ाई जबरदस्त करते हैं। उसके बाद ये हमारे महिला कांस्टेबल मुन्नी हैं, जो कि जंगली क्षेत्र के सबसे माहिर हैं। और ये देखिए शिकारी पोजीशन में कमांडो होगा, कमांडो मेजर हैं ये, हौलदार महेंद्र प्रसाद। आइए, तो महेंद्र प्रसाद सिंह हम लोग का हेड कांस्टेबल। तो अब हम लोग का ड्यूटी लमसम समाप्त होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर गश्त कर लिए, और बिल्कुल ये रेगिस्तान एरिया में, तो देख ही सकते हैं पीछे का व्यू किस तरह का दिख रहा है, बिल्कुल रेगिस्तान ही रेगिस्तान चारों तरफ।
तो सभी लोग अब समय हो गया, तो अब हम लोग अपने कैंपस की तरफ के लिए चल रहे हैं और सारे साथी लोग आगे चल रहा है, पीछे भी देख रहे हैं, हमारे सारे कमांडो लोग पीछे से आ रहे हैं। और दोस्तों जो भी देख रहे हैं एरिया को, एक बार अगर आ जाइएगा ना तो एक दिन काटना मुश्किल होगा ये सब एरिया में। खैर जो रहते हैं इस एरिया में उसके लिए तो स्वर्ग है, लेकिन जो लोग नहीं रहते हैं इस एरिए में, नहीं देखें इस एरिए को, उसके लिए यार बहुत मुश्किल है यहाँ पे बिताना एक दिन। लेकिन हम लोग की लाइफ यही है, हम लोग तो ऐसा ऐसा एरिया में ही रहते हैं और समय को निकालते हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ब्लॉग कंटिन्यू आप लोग को देखने को मिले। तो दोस्तों अब हमें दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।